के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है, और वो अपडेट्स क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के जो है 900 पदों पर जो है इस वक्त सबसे बड़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रहा है। तो आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणी द भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन जो है क्या होना चाहिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होना चाहिए, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है, आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, तो संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो आप जो है किस तरह से बन सकते हैं, कंप्लीट डिटेल जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोगों को यदि जो भी सपने उन सपनों को जो है किस तरह से पूरा कर सकते हैं, तो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के लिए आप जो है आवेदन कीजिए। 900 पोस्ट जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के। तो यदि योग्यता की हम बात करें हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के लिए, तो इसके लिए योग्यता आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है, 12वीं पास तो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। आपके पास जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया, DCA किया, PGDCA किया, BCA किया, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, कोई भी हो आपका कंप्यूटर का एक वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मायने रखता है। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, यदि आप SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको एक वर्ष का छूट दिया जाता है, एक वर्ष का बेनिफिट्स मिलता है। वहीं यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है एज लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता। और अगर कहीं आपका सिलेक्शन भी हो गया लेकिन आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट है जो कंप्यूटर कोर्स करते हैं, जिसमें DCA PGDCA में सबसे बड़ा धांधली देखने को मिलता है। तो आप कहीं भी कोई भी सेंटर खोल गए जहाँ DCA PGDCA कराया जाता है, वहाँ पर जो है मत कीजिए। आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, सभी चीज़ों के बारे में चेक कीजिए कि अथॉरिटी है या फिर नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, और मान्यता प्राप्त है तभी आप उस जगह से DCA कीजिए या PGDCA कीजिए। क्योंकि अगर आप DCA PGDCA करेंगे और अगर आपका मान्यता नहीं मिलेगा, तो आपका पैसा, समय, सब चीज़ चला जाएगा। तो इससे अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो है DCA PGDCA से अच्छा जो ITI कोपा कर सकते हैं। ITI कोपा जब आप करेंगे, तो आपको हर एक चीज़ों के बारे में कंप्यूटर्स के बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट नॉलेज आपको सिखाया जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएँ, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप जो है नंबर ला सकते हैं। और सैलरी की बात करें, तो इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है, 22,000 रुपये आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलता है, और प्लस 2400 रुपये जो है अलग से ग्रेड पे दिया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस 2400 रुपये अलग से ग्रेड पे, यानी टोटल हम अगर बात करें तो 25,000 के करीबन जो अराउंड 25,000 रुपये जो है इसमें हॉस्टल वार्डन श्रेणी द भर्ती परीक्षा में आपको सैलरी दे दिया जाएगा। तो देखिए 25,000 रुपये अगर आपको कहीं मिलेगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत आराम से खुशी से जो है बिता सकते हैं, और आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही है जो सुख और दुख अभी के डेट में जो है निर्धारित करता है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप खुश हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप दुखी हैं, यही सबसे बड़ा फैक्ट है। वहीं आयु सीमा की बात करें, तो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज अगर हम छूट की बात करें, तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के हैं, फिर भी आप इसमें आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे। अब बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि आप जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्टल वार्डन श्रेणी द भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके जो 1 अंक होंगे, तो 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों के प्रश्न होते हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर लाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हो पाता, माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग की वजह से। वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा तुक्का मार लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है। तो आप तुक्का के भरोसे मत रहिए। देखिए 4 क्वेश्चन आप यदि गलत करेंगे, तो आपका जो है 5 नंबर आसानी से कट जाएगा। तो अगर आपका 5 नंबर कटेगा, तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला रहेगा वो भी सिलेक्शन आपका जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है माइनस मार्किंग से बच के रहिए, जितना हो सके निगेटिव मार्किंग से बच के रहिए। जब तक आपको जो है 100% सही आंसर पता नहीं रहेगा, तब तक आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व नहीं करना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपका सिलेक्शन चाहिए, तो आपको डेली
करंट अफेयर्स के नॉलेज रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ संसद की घटना चक्र के बारे में, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक के मासिक पत्रिका से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको सीजी करंट अफेयर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको करंट अफेयर्स के संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इन सभी से यदि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका 100% जो है जेन्युइन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा और आपको हर एक चीज़ जानकारी जो है देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले तो आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में कम्प्लीट जानकारी देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना, ताकि आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी जो अच्छे से हो पाए और आपको संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं कि आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई न कर सकें। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाए ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं होता। तो मेहनत कीजिए, तभी आपका हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणी के 900 पदों पर बम्फर भर्ती निकल कर आया है, तो एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियो नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो जो है मिलते रहेंगे। और आपको अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में आपके आने वाले समय में जल संसाधन विभाग में अमीन पटवारी के 288 पदों पर भर्ती होने वाला है। इसके साथ सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइजर के जो 3000 पदों पर भर्ती होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद आज तक जो है कभी भी 3000 पदों पर जो है सहकारिता विभाग में भर्ती नहीं आया, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें 1700 पोस्ट अकेले समिति प्रबंधक के होंगे और 2058 पोस्ट आपके हर 5 समितियों में जो है सुपरवाइजर के होंगे। तो वैकेंसी जो है बहुत है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी में जो है जुट जाना है। और इसके साथ आपको एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। एडीओ के जो है टोटल 415 पदों पर भी भर्ती होना, तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्तियाँ जारी हैं। तो बस एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है, प्लीज़ कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को नई नई वीडियोस प्रोवाइड करा सकूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू।